बहराइच दंगों के बाद 23 घरों पर बुलडोजर कार्रवाई के लिए यूपी सरकार की पीडब्ल्यूडी के जरिए नोटिस जारी होने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार के हुक्म के खिलाफ एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का दरवाजा खटखटाया था, जिस पर समाप्त करते हुए लखनऊ बेंच ने 5 दिन के लिए रोक लगा दी। समाप्त के दरमियान लखनऊ बेंच ने कहा कि एससी ने 17 सितंबर को बुलडोजर मामले में हुक्म जारी किया था, सुप्रीम कोर्ट के किसी भी हुक्म की मुकम्मल तामील करनी होगी। हुकूमत 15 दिन में बताए कितने घरों की निशानदेही की गई, नोटिस देने वाली जगह पर कितने घर गैर कानूनी बनाए गए। हुकूमत रेवेन्यू रिकॉर्ड में बताए कि सड़क की चौड़ाई कितनी है। इससे कबल 17 सितंबर 2014 को बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त तबसरा करते हुए कहा था कि मुलजिम होने पर घर कैसे गिरा सकते हैं, मुलजिम पर बुलडोजर कार्रवाई सही नहीं है, कसूरवार होने पर भी आप घर नहीं गिरा सकते हैं, किसी भी कमी का फायदा न उठाएं, लड़के की गलती पर वालिद का घर गिराना सही नहीं है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि हम जल्द ही इसे लेकर SOP जारी करेंगे, तब तक कोई भी रियासत बुलडोजर एक्शन नहीं ले सकती। किसी भी मुलजिम और कसूरवार के घर पर बुलडोजर चलाना कानून को कुचलने के बराबर है, अगर बिना इजाजत बुलडोजर चलता है तो उसे अदालत की तौहीन माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के सख्त तबसरे के बाद भी यूपी हुकूमत ने बहराइच दंगों के बाद 23 घरों में रात को नोटिस चिपका दिया, जिसमें 20 मुसलमानों के और 3 हिंदू के घर शामिल थे। इलाहाबाद की लखनऊ बेंच के बाद बुलडोजर एक्शन का मामला अब सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। बहराइच दंगे के 3 मुलजमीन की जानिब से अर्जी दायर कर फौरन समाप्त की गुजारिश की गई है। अर्जी में कहा गया कि बुलडोजर एक्शन पर रोक के सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को दरकिनार कर यूपी हुकूमत सजा देने के लिए ये कार्रवाई कर रही है। दरअसल बहराइच में दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दरमियान दंगा भड़क गया था, जिसमें ये रामगोपाल मिश्रा नाम के नौजवान की मौत के बाद पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई कर कई लोगों को गिरफ्तार किया है। इसी बीच पीडब्ल्यूडी ने भी 23 घरों को इलीगल कंस्ट्रक्शन बताकर नोटिस जारी किया था। नोटिस में लोगों को इलीगल कंस्ट्रक्शन हटाने के लिए कहा गया था, जिसके बाद से वहां हड़कंप मचा हुआ है। सलाम टीवी के लिए नदीम अहमद की रिपोर्ट।